camel present, sorry, fox present camel to the king. Then ये सब fox, leopard, camel and lion ये सब जंगल के तरफ यानी forest to forest forest के तरफ चलने लगते हैं. With the vulture flying ahead as a guide and set off the long journey back to the forest. फिर वल्चर गाइड बन जाता है और फिर से वो अपने फॉरेस्ट के तरफ रिटर्न हो जाते हैं. When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. ये जो tired रहते हैं ये फॉरेस्ट में travelers रहते हैं बहुत ही tired और hungry हो जाते हैं. Leopard, vulture और fox बहुत ही hungry रहते हैं traveling की वजह से. They look at each other very smile, hungry smile. और वो तो एक दूसरे की तरफ बहुत ही ऐसे देखते हैं कि उनको बहुत ऐसे जोर से भूख लगी है अब हमें खाने को मिलेगा. They had brought the camel for the king's dinner. Now it was time for the feast. They had brought the camel. और वो brought the camel लाते हैं राजा के डिनर के लिए. It was time for the feast. और वो खाने का उनका टाइम रहता है. The lion king knew what his courtier were thinking. और लॉयन को इन्हें पता चलता है कि उसके कोर्टियर क्या सोच रहे हैं. कॉल्ड कैमल फिर वो कैमल को बुलाते हैं फ्रेंड कैमल और क्या कहता है लॉयन कैमल फ्रेंड कैमल आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ यू आर वेलकम टू लिव एट माय कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक आई प्रॉमिस यू माय प्रोटेक्शन ओके. फिर वो क्या राजा क्या कहता है कैमल को कि तुमने यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट हमारे कोर्ट में तुम्हारा स्वागत है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम मेरे प्रोटेक्शन पे रहोगे. द लॉयंस कोर्टियर वेयर शॉक ऐसा सुनकर तो पूरे कोर्टियर्स बहुत ही शॉक हो जाते हैं. लियोपार्ड वल्चर एंड फॉक्स हैड दे नॉट रीच देयर लाइव सो दैट ही कुड ट्राई कैमल मीट एंड द किंग वॉन्टेड टू लेट द कैमल लाइव और कि वो कहते हैं उनको सोचते हैं कि कैमल तो हमें यहाँ पे खाने के लिए हमने लाए हैं और राजा तो इसको यहाँ पे रहने के लिए बोल रहा है. द कोर्टियर्स वेर नॉट प्लीज विथ हिज डिसीजन येट दे कुड डू नथिंग. अभी कोर्टियर्स इस उनके डिसीजन से खुश नहीं होते राजा के डिसीजन से खुश नहीं होते. नाउ द लायन पॉज वेयर सो बैडली बर्न दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग but that did not keep him from growing very hungry indeed. Okay, the lion's paws were so badly. उसके lion के जो paws रहते हैं उसके पंजे रहते हैं बहुत ही जले हुए रहते हैं and he did not go hunting और वो hunting भी नहीं कर सकता. he did not keep growing very hungry और वो ज़्यादा देर भूख भी नहीं सह पाता. फिर fox, leopard, vulture he shouted और जोर से वो चिल्लाता है fox, leopard, vulture shouted और वो सब आ जाते हैं. don't you see that I am ill and hungry? Go get me some food. और वो बोलता है कि जाओ तुम्हें पर देख नहीं रहा कि मैं मुझे जोर से भूख लगी है जाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ. The courtiers had to obey the king. अब पूरे courtiers अभी डर जाते हैं और फिर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और वहां से वो निकल जाते हैं. So out they went. They did not go far away. थोड़ी ही दूर जाते ही they sat down in a safe place. एक safe place पे वो जाकर बैठ जाते हैं और discuss करते हैं what they will do कि आगे उनको क्या करना है. I know said the fox after a while. He shall make the camel ask to be eaten. I know said the fox after a while. थोड़ी देर के बाद fox बोलता है कि he shall make the camel ask to eat to be eaten. कि हम बोलेंगे कि camel को कि नहीं चलो इसका हम यहाँ पे लाए तो इसका ही आप शिकार करो आप ही खाओ और हमें भी दो ऐसे हम बोलेंगे ऐसा वो fox कह डाले. He told others of his plan. They all agree. So back they went to the king. और ऐसा कर कि नहीं नहीं ठीक है हम ऐसे ही करेंगे हम चलो अब हम राजा के पास जाएंगे. First the vulture stepped forward. Your majesty he said bolo we have found no food but he cannot let your majesty suffer. I am a poor creature eat me. अभी देखो वो किसे कैसे बोलते हैं देखो वल्चर आ गया था कहते कि राजा हमें तो कुछ भी नहीं मिला आप भूखे हो यानी आपको भूख लगी है एक काम करो ना आई एम अ पुअर क्रिएचर आप मुझे ही खा लो ना. ऐसा कौन कहता है वल्चर कहता है किसे कहता है लॉयन को कहता है. द फॉक्स पुश्ड वल्चर असाइड आई हैव मोर ईट ऑन मी ही क्राइड ईट मी योर मैजेस्टी नाउ द लियोपार्ड रश फॉरवर्ड आई एम नॉट मच फूड ही क्राइड बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग.
फिर उसको फॉक्स क्या करता है, वल्चर को ढकल देता है और वो आगे आ जाता है और क्या कहता है, आई हैव मोर